तो वेलकम इन अवर YouTube चैनल अगेन। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। नाम तो अब याद ही हो गया होगा, स्टडी ट्रीट। तो आइए वीडियो की बात करें अगर हम कि आज के हमारे वीडियो का क्या टॉपिक है, तो वो बहुत ज्यादा शॉकेबल है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा शॉकेबल है। वो कैसे? तो मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसी बात जो सुनकर आप बहुत ज्यादा डर जाएंगे, लेकिन इसका सलूशन भी मैं साथ में अपने लाई हूं, जो कि मैं वीडियो की एंड में आपको बताऊंगी। तो प्लीज इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या कर रही हूं? अरे चैटिंग व्हाट्सएप पे। हाँ सी, होल्ड ऑन, मुझे आज पता चला था कि व्हाट्सएप की चैट्स लीक हो रही हैं। ओह माय गॉड, इज इट। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये ग्रीन ग्रीन आइकॉन में दिखने वाला एप्लीकेशन हमारे लिए कितना ज़्यादा मतलब आगे चल के हार्मफुल हो सकता है। हालांकि अगर हम बात करें तो WhatsApp एक बहुत अच्छी चीज़ है, WhatsApp एप्लीकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। उसे हम मैसेजेस कर सकते हैं, वॉइस मेल्स भेज सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं किसी को भी, हम इससे कॉलिंग कर सकते हैं, हम इससे वीडियो चैट कर सकते हैं। और अब तो न्यू फीचर्स आ गए हैं कि हम ग्रुप वीडियोस मतलब लाइक 8 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के साथ हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी नई फीचर्स हैं, इसके इमोजीज बहुत अच्छे हैं, हम वॉलपेपर्स अपने तरीके से इसमें चैट्स में लगा सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर चीज सिक्योर नहीं होती, हर चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो यही हम बात करने जा रहे थे आज कि किस तरीके से व्हाट्सएप हमारे चैट्स को लीक कर सकता है, हमारे चैट्स उसमें से लीक हो सकती हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसे हम अपना कर हमारी व्हाट्सएप चैट्स को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइस, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगेन आई रिपीटिंग कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन एंड में, जब तक आप पूरी वीडियो ना देख लें तब तक ना बताएं, वीडियो के एंड में आप मुझे बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें। तो इन दिनों आप सभी ने सुना होगा कि व्हाट्सएप की चैट्स लीक हो रही हैं कहीं ना कहीं, या आपने हो सकता है टीवी में सुना हो, न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, या फोन में नोटिफिकेशंस आई हो। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि हम सभी जानते हैं कि जब से सुशांत सिंह राजपूत जी हम लोगों को इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, तब से उनके केस को लेकर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। ये बात सभी जानते हैं। और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर निकल के आ रही हैं। और इसी केस के दौरान कई ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स हैं जिनका नाम ड्रग्स से जोड़ा जा रहा है कि वो ड्रग्स लेते हैं या वो ड्रग्स के केस में हैं, व्हाटएवर। हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए आपको यहाँ याद और पॉइंट आउट कराई है क्योंकि ये बात इसी चीज़ से रिलेटेड है जो आज का हमारा टॉपिक है। उनके नाम कैसे बाहर आ रहे हैं? क्योंकि उनकी चैट्स लीक हो रही हैं। आपने देखा होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत को के केस को लेकर जब टीवी पे न्यूज आती है तो वो चैट्स दिखाते हैं, आज इस एक्टर की चैट हमें मिली है, आज इस एक्ट्रेस की चैट हमारे सामने आई है जिसमें ये चीज लिखी है, ये चीजें लिखी हैं, है ना। तो जब बॉलीवुड एक्टर्स की चैट लीक हो सकती है तो आपकी और मेरी क्यों नहीं, यानी कि हम सबकी भी हो सकती है, यानी कि वो सिक्योर नहीं है। तो अब इस सिक्योरिटी को अच्छा और बढ़ाने के लिए और हमारे इन सिक्योरिटी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आज उस बारे में बात करूंगी आपसे। अब व्हाट्सएप तो दावा करता है कि जो व्हाट्सएप पर किए जाने वाले चैट्स हैं वो इनक्रिप्ट होते हैं, जो कि आप और मैं, सिर्फ जो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको मैसेज कर रही हूं, बस हम ही देख सकते हैं, हम ही पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप खुद भी इन मैसेजेस को नहीं देखता, नहीं पढ़ता,
ये व्हाट्सएप का दावा है, लेकिन क्या ये कितना सच है और कितना सही है, हमें इसकी आज पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है। अच्छा, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर व्हाट्सएप की चैट लीक होती कैसे है और क्यों होती है। तो व्हाट्सएप की जो चैट्स है वो लीक हो कैसे रही है, क्योंकि हमारे लिए इस फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी चैट्स लीक हो कैसे रही है। व्हाट्सएप में डायरेक्ट चैट तो नहीं होती है, इनडायरेक्ट चैट का लीक होना काफी हद तक पॉसिबल हो जाता है, और इनडायरेक्ट चैट का लीक होना, जब वो लीक हो रहा होता है हम और आप उससे बेखबर होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हमारे चैट्स लीक हो गई हैं। अब हमारे पास दो तरीके के मोबाइल फोन्स होते हैं, एक एंड्रॉइड और एक आईफोन। आईफोन में लोग ज्यादातर आई क्लाउड पे अपना बैकअप डाटा लेते हैं, हम डेली अपना व्हाट्सएप बैकअप करते हैं जो कि हमारे हमें व्हाट्सएप की सेटिंग पे मिल जाता है। बैकअप करने का मीन्स कि वो मैसेजेस जो भी हमने चैट्स किए हैं, जो भी ऑल ओवर हमारा डाटा होता है वो एक बैकअप हो जाता है, तो ताकि अगर हम दूसरे किसी चैट में दूसरे किसी मोबाइल फोन में अगर हम अपना व्हाट्सएप ऑन करते हैं उसी नंबर से, तो हमारे पुराने जितने भी चैट्स होते हैं वो हमारे पास दोबारा हमारे पास कलेक्ट हो जाती हैं, आ जाती हैं, तो इसके लिए हम बैकअप करते हैं। और काफ़ी लोग उस चीज़ को करते भी हैं, काफ़ी लोग अपने मोबाइल डाटा को या आपके व्हाट्सएप डाटा को अपना बैकअप रखते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। आईफोन की हम बात कर रहे थे, तो आईफोन में आई क्लाउड नाम का जो एक होता है सिस्टम, लोग ज्यादातर अपना डाटा व्हाट्सएप का जो है वो बेसिकली उसी में बैकअप करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनसेफ है। एंड्रॉइड फोन की बात करें अगर हम, जैसे कि मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन है, तो इसमें मेरे अगर मैं फोन की बात करूँ तो मेरा एंड्रॉइड फोन है, और इसमें जो डाटा हमारा मेरा जो व्हाट्सएप डाटा है, जो मेरा व्हाट्सएप बैकअप है, वो गूगल ड्राइव पे होता है। तो गूगल ड्राइव का भी पासवर्ड आपको एक तो स्ट्रांग रखना है, ठीक है, अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखिए, जहाँ तक हो सके आप अपने फ़ोन में भी लॉक रखिए, फ़ोन में तो अलग ही सभी लॉक रखते हैं, अपने व्हाट्सएप पे भी लॉक रखिए। इंक्रिप्ट, अपने अगर आप व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन, आप वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन अपने नंबर को करिए, ताकि आपका जो नंबर है, आप जिस नंबर से व्हाट्सएप चला रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाए, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और आपकी चैट्स आपके अलावा या आप जिससे बात करें उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन ना वो पढ़ सके और ना उस तक पहुँच सके, और ना आपकी आपकी जो चैट्स है वो लीक हो सके। अच्छा, चैट्स लीक होना बहुत बड़ी बात है और ये रिस्क की बात भी है। रिस्क की बात इसीलिए है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा रिस्क है। मान लीजिए अगर हम अपने ऑफिस में किसी से, किसी एम्प्लॉय से, किसी ऑफिसर से, किसी अपने बॉस से चैट कर रहे हैं, एक अलग तरीके की चैट है, हो सकता है वहाँ हम अपने कुछ डिटेल्स शेयर कर रहे हों, किसी की डिटेल्स ले रहे हों, अपने अकाउंट की कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हों, या फिर हम किसी से कोई पर्सनल बात कर रहे हों, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क की बात है कि हमारी जो चीज़ें, हमारे जो चैट्स हैं, हमारे जो पर्सनल डिटेल्स या प्रोफेशनल डिटेल्स हैं, वो काफ़ी हद तक इनसिक्योर है। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और व्हाट्सएप में ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान रखें कि हमारे चैट को हम जितना ज़्यादा सिक्योर कर सकें, उसके लिए व्हाट्सएप सेटिंग पे जाकर, हमें वहाँ पे एक सेटिंग प्रोवाइड है जहाँ पे हम अपना नंबर वेरिफिकेट कर वेरिफिकेशन उसको करके अपने चैट्स को सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, आप एक काम भी कर सकते हैं, जैसे आपने अपना बैकअप किया, बैकअप करने के बाद वो आप अपनी आईडी पे, आप कोई भी ऐसी न्यू आईडी बना लीजिए, आप अपनी आईडी पे उसको मेल कर दीजिए। मेल जब आपका डाटा हो जाएगा, सारा बैकअप हो जाएगा, तो आप उसको अपने इधर जो आपका ड्राइव, आपका जो मोबाइल फोन है, आप वहां से उस चीज को डिलीट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका बैकअप भी आपको मिल जाएगा, और जो आपको एक डरिंग सिक्योरिटी है कि आपका जो डाटा है वो लीक हो सकता है, हैक हो सकता है, उससे भी आप बच जाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो अपना सारा का सारा डाटा, आपका सारा का सारा बैकअप आप लैपटॉप कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बैकअप भी आपके पास रहेगा और आपकी सिक्योरिटी भी आपके पास रहेगी। आप चाहें तो ऑथेंटिकेशन वाला जो ऑप्शन है, जो आपको जीमेल पे मिल जाता है, आप वहां जाके अपना पासवर्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर लीजिए, ताकि आपके फ़ोन की सारी डाटा की जानकारी जो है वो कहीं भी लीक ना हो और हमेशा आपके पास सिक्योर रहे। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो मैं जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे हमारे नेक्स्ट वीडियो की।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कैसी लगी, क्या लगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जाने से पहले बस यही कहूँगी कि गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, करें 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 करें। और आई होप कि वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स लाएंगे, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। बाय। आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।